नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल में। अगर आपको जोड़ों और घुटनों के दर्द से आराम चाहिए तो आपको रोज करने चाहिए ये तीन योगासन। बुजुर्ग लोगों को अक्सर ज्वाइंट पेन, घुटने में दर्द की समस्या बनी रहती है। कुछ योगासन की मदद से इस तरह के दर्द से छुटकारा मिल सकता है। बुजुर्ग लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं लगी रहती है। इनमें से कुछ है घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में तकलीफ होना शामिल है। असल में बुजुर्ग लोगों की हड्डियाँ काफ़ी कमजोर हो जाती हैं, जिस वजह से उनके जॉइंट में भी अक्सर दर्द हो जाता है। इस वजह से उनके लिए रोजमर्रा के कामकाज करना भी मुश्किल हो जाता है, चलते फिरते हुए भी तकलीफ होती है। ऐसे स्थिति में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग दवाइयों का सेवन करते हैं, जबकि कुछ योगासनों को अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाकर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। इससे जॉइंट पेन में भी आराम आने लगेगा और रोजमर्रा के कामकाज भी मुश्किल भरे नहीं लगेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह बताए गए योगासन में अगर आपको करने में जरा सी भी दिक्कत महसूस हो रहे हैं तो इन आसनों को न करें, या फिर किसी विशेषज्ञ की मदद लें जो इन आसनों को आपके साथ कर सकता है। साथ ही इन आसनों को शुरुआती दिनों में कम समय के लिए करें। आप धीरे धीरे अपनी जरूरतों के अनुसार इसका समय बढ़ा सकते हैं। तो जानिए कौन से है वो मुख्य तीन आसन जिनसे बुजुर्ग लोगों को ज्वाइंट पेन और घुटनों के दर्द में आराम मिल सकता है। इन तीन योगासनों को अच्छे से जानने के लिए हम पहले देखते हैं कि इसे कैसे किया जाए, और उसके बाद में देखेंगे कि इसके किस तरह से लाभ हमें मिल सकते हैं। नंबर एक, प्राणायाम। कैसे करें? प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले किसी खाली कमरे में चटाई बिछाकर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। प्राणायाम करते वक्त मन शांत रखें। ध्यान रहे कि आसपास ज़्यादा आवाज न हो। अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी दाएं अंगूठे से दाई नाक को दबाकर बाई नाक से सांस अंदर की ओर खींचे। अब अपनी अनामिका उंगली से बाई नासिका को दबाकर दाई नाक से सांस छोड़ें। कुछ देर बाद यही प्रक्रिया रिवर्स करें। अगर आपको दिक्कत न हो तो 5 मिनट तक इस आसन को दोहराएं। आप अपनी सहूलियत के अनुसार समय को बढ़ा भी सकते हैं। इसका लाभ, जब आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, पोस्चर सही होता है, जिससे पीठ के दर्द में आराम मिलता है। इसके साथ ही प्राणायाम करने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों में हो रहे दर्द से भी छुटकारा मिलता है। नंबर दो, ताड़ासन। कैसे करें? ताड़ासन करने के लिए सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीध में रखें। दोनों पैरों के बीच में सामान्य अंतर रखें। अब गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को जोड़ लें। इसी दौरान आप अपने पूरे शरीर को भी ऊपर की ओर उठाएं ताकि बॉडी स्ट्रेच हो सके। इसी अवस्था में 15 सेकंड तक टिके रहें। कुछ देर बाद सामान्य अवस्था में लौट आए। सामान्य अवस्था में लौटते वक्त अपनी सांस की गति पर ध्यान दें। जब आप अपने हाथों को नीचे की ओर करें तो सांस छोड़ें। अगर ताड़ासन में खड़ा होना मुश्किल न लगे तो 10 से 15 बार इस आसन को दोहरा सकते हैं। इसके लाभ, ताड़ासन मुख्य रूप से शरीर के स्ट्रक्चर में सुधार करता है। बुजुर्ग लोगों को इस आसन को नियमित रूप से करना चाहिए। इस आसन को करना भी बहुत आसान है। इस आसन की मदद से जांघों, एड़ियों और हाथों को मजबूती मिलती है। इसके साथ ही व्यक्ति का पाचन तंत्र बेहतर होता है। नंबर तीन, बाधा कोणासन। कैसे करें? इस आसन को करने के लिए एक मैट पर कमर सीधे करके बैठ जाए। अपने पैरों को खोल ले। जब सांस छोड़ते हुए घुटनों को अंदर की ओर मोड़े। एड़ियों को
आपस में चिपकाए। अगर संभव न हो तो घुटनों को जमीन से छुआने की कोशिश न करें, इससे आपको तकलीफ हो सकती है। अब अपने पैर के अंगूठे को अपनी दो उंगलियों की मदद से पकड़ें। इस अवस्था में 1 से 5 मिनट तक बैठे। कुछ देर बाद सामान्य अवस्था में आ जाएं। आसन को करते हुए अपनी सांस की गति को सामान्य रखें। इसके लाभ: बाधा कोणासन करने से घुटनों और जांघ मजबूत बनती है, जॉइंट पेन से आराम मिलता है, इसके साथ ही पाचन तंत्र मजबूत होता है। यही नहीं, अगर आप रोजाना इस आसन को करते हैं तो इसे आपकी थकान दूर होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आसन की मदद से तनाव भी दूर होता है। यह भी माना जाता है कि इस आसन की मदद से पुराना दर्द भी ठीक होने लगता है। तो ये 3 आसन को आपको जरूर करना चाहिए और अपनी डेली लाइफस्टाइल में ढालना चाहिए। क्या इन आसनों के बारे में आपको पहले जानकारी थी? आप हमें कमेंट में बता दीजिए। आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद है ये भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और याद रखिए, आयुर्वेद ही जीवन है, जीवन ही आयुर्वेद है।